आज मैं आपको किसी किट्टी पार्टी में इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। एक्चुअली किट्टी पार्टी में अधिकांश महिलाएं होती हैं, लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनकी किट्टी होती है, तो उनकी बातचीत का दायरा लगभग वही रहता है। तो किट्टी पार्टी में अगर आप जा रही हैं और आप चाहती हैं कि इंग्लिश में बात करके अपना इम्प्रेशन जमा सकें, तो कैसे बात करेंगी, क्या बात करेंगी, चलिए हम शुरू करते हैं। हम दीपा और मोना दो लेडीज़ हैं जो आपस में बात कर रही हैं। कैसे शुरू करती है, मान लीजिए मोना ने पहले पूछा, यार तेरी किट्टी निकल चुकी, तो इंग्लिश में कैसे कहेगी, डियर डिड यू गेट योर किट्टी। दीपा बताएगी, हाँ तेरी किट्टी अभी नहीं निकली, अगली बार निकल जाएगी। मतलब वो कह रही है, अच्छा तेरी अभी तक नहीं निकली, तो कैसे कहेगी, यस आई थिंक यू हैवेंट। नेक्स्ट ड्रॉ योर नेम स्लिप विल बी चूजन फॉर किटी। फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मोना कहती है, आज तो तू काफ़ी टाइम से आ गई, तो कैसे इंग्लिश में कहेगी, टुडे यू केम वेरी पंक्चुअली। दीपा कहेगी, यार सोचा मैं भी आज अर्ली बर्ड में भाग ले लूँगी, तो इंग्लिश में कहेगी, डियर आई थॉट टू पार्टिसिपेट इन अर्ली बर्ड ड्रॉ दिस टाइम। मोना बताएगी, मैं तो हर बार अर्ली बर्ड में भाग लेती हूँ, बड़ी प्राउडली कहेगी, क्योंकि हमेशा जल्दी पहुँचती हूँ, तो कैसे कहेगी इंग्लिश में, आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन अर्ली बर्ड ड्रॉ, यू नो आई रीच इन टाइम ऑलवेज। अब दीपा कहेगी, सोचती तो मैं भी हूँ पर ना जाने क्यों लेट हो जाती हूँ, तो कैसे इंग्लिश में कहेगी, आई ऑल्सो प्लान टू कम अर्ली बट डोंट नो वाई आई ऑलवेज गेट लेट। मोना प्राउडली बताएगी, मैंने तो कई बार अर्ली बर्ड प्राइज भी जीता है, तो इंग्लिश में कहेगी, आई हैव वन अर्ली बर्ड ड्रॉ ट्वाइस फॉर माई पंक्चुअलिटी। तो दीपा का ध्यान जाता है उसकी नेकलेस की तरफ, आज तेरा नेकलेस बड़ा जम रहा है, तो इंग्लिश में कहेगी, योर नेकलेस इज स्टनिंग। अब मोना कहेगी, बड़ा प्राउडली घमंड शान मारते हुए, मेरे पति ने मुझे इस बार मेरे जन्मदिन पर दिया है, ये जो नेकलेस में बड़े बड़े लगे हैं ना, ये गुड क्वालिटी डायमंड्स हैं। अब वो इंग्लिश में कैसे कहेगी, दिस नेकलेस इज प्रेजेंटेड बाय माई हस्बैंड ऑन माई बर्थडे, दीज बिग स्टड्स आर वेरी गुड क्वालिटी डायमंड्स। तब दीपा कहेगी, पता है देखने से ही लग रहा है, काफ़ी महंगा लगता है। अब वो इंग्लिश में कैसे कहेगी, आई नो इट लुक्स क्वाइट कॉस्टली। तब मोना बताएगी, मेरे पति ने बताने से मना किया है, पता है पूरे 10 लाख का है। इंग्लिश में, माय हस्बैंड टोल्ड मी नॉट टू टेल इट्स प्राइस टू अदर्स, इट कॉस्ट 10 लाख्स। अब जो दीपा है थोड़ा मुँह चढ़ाकर, मान लीजिए वो जैसे लेडीज याद होती है, ओ बुदबुदाएगी, धीरे से बोलेगी, नकली है, शेख ही बघार रही है। तो इंग्लिश में कहेगी, ओ मम्बलिंग करते हुए कहेगी, हर नेकलेस इज आर्टिफिशियल, शी इज बोस्टिंग। अब दूसरी लड़की की तरफ टर्न हो जाती है उसका मुंह देख करके, हाय कुकी, मोटी कुसुम को देख करके कहती है, हाय कुकी। तो कुसुम जो है इसका नाम कुकी है, उसको कहती है, कैसी है तू, बड़े दिन बाद मिलना हुआ। हाय हाउ आर यू, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तब मोना कहेगी, मैं अच्छी हूँ, आज की होस्ट नीला है ना, इसने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है किट्टी का। इंग्लिश में कहेगी, आई एम फाइन, टुडेज होस्ट इज नीला, यू नो शी हैज़ मेड गुड अरेंजमेंट्स फॉर अवर किट्टी। तब कुसुम कहेगी, दरअसल ये जगह किट्टी के लिए बहुत अच्छी है, इस तरह की कोई बात कहेगी, तो कैसे कहेगी इंग्लिश में, एक्चुअली दिस इज बेस्ट प्लेस फॉर किट्टी। मोना कहेगी, चल आज किट्टी में खाने पीने का मजा लेते हैं, कम लेट्स एन्जॉय फूड इन अवर किट्टी। ओके, तो इस तरह आप कितनी भी लंबी बातचीत कर सकते हैं किट्टी में, इंग्लिश में अपना इम्प्रेशन जमा सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।